मैं सीधा सवाल पूछता हूं, आप कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी? बनाएगी बिल्कुल, और बनाना चाहिए, और उसके लिए विधि या कानून के अनुसार रास्ते हैं और हम मुसलमान को मनवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, स्वागत है आपका आज तक। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ, ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्प पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब जब राहुल और सोनिया गांधी को बेल मिल चुकी है, वो काफी कल कॉन्फ्रेंस बेल कोई इनाम नहीं है, बेल माने तो आप आरोपी हैं और आपके प्राइमा फेसी हो गई है, अब आपको ट्रायल के लिए खड़ा होना है। तो सुनिए, तो बेल को ये कोई भारत रत्न मत समझिए। आपको कैसे मालूम? मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो उनके बारे सोनिया गांधी विदेश जाती है, आप लोग का कभी पता नहीं लगता मुझे, मैं तो पहले अनाउंस कर देता हूँ ट्विटर में कि इस रास्ते से जा रही है और इस हॉस्पिटल में जा रही है, वो कैसा पता होता है। हिंदू राष्ट्रवादी क्या होता है? हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब आप बोलिए कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं, ये कहने की जरूरत पड़ी है मोदी को कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूं। देखिए पहले आप सवाल देखिए क्या पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि आपका कहने का अर्थ है कि मैं हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं, मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, ठीक है। तो आप उनको मोदी जी को पता होना चाहिए कि आप लोग दुष्ट हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप है कि आप बीजेपी के कहने पर ये कर रहे हैं। देखो कांग्रेस ये पॉलिटिकल केस और तो क्या है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पॉलिटिकल हो, नफरत हो, कुछ भी हो, तथ्य ठीक है तो वही देखना है कोर्ट को। तुम्हें तो कानूनी है पता है? मेरी बात तुम्हें कानूनी नहीं पता है? राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या पहले है? आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू अग्रेसिव हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव भी होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव भी होता है, बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति। पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मेरे देखिए ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। तो आपको लग रहा है शायद कि एक लाल बत्ती आपको भी मिल जाए, इसीलिए गए हैं बीजेपी में वापस आप? मैं तो लाल बत्ती पहले भी पाया हूं, तो किनारे में बैठे हुए थे तो आपको लगा लाल बत्ती मिल जाए क्या? हर जगह उससे क्या मजे, चढ़ गए मोदी की गाड़ी में। मैं तो लाल बत्ती ड्राइविंग कर रहे हैं कि बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तो लाल बत्ती के बिना ही सबको परेशान कर रहा हूं, मुझे लाल बत्ती की जरूरत ही नहीं है। लाल बत्ती कहना है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में चल रही थी कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी मदद करने के लिए लोन दी। मैं ये देखे इस पर आप पूछे मुझे कि क्या अपराध है, मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस कहती है ऐसी, कांग्रेस कहती है, वह तो उसमें नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि कोर्ट में उनको उनको फटकार मिली है, अभी तक तो फटकार ही मिली है। कल तो 9 मिनट में केस खत्म हो गया। अरे वाह वाह, केस खत्म में बेल मिल गई। अरे आपने तो ऐसा किया कि जेल जाएंगे राहुल गांधी सोनिया। अरे आप तो आप उनके वकील बन सकते हैं। यहां सर, लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जब समन इशू होता है तो जज अपना फैसला नहीं सुनाता, वो तो उनके उस वक्त के ऑब्जर्वेशन होते हैं, कानूनी फैसला तो एकदम अलग है। मुझे लगता आप जिस तरीके से कहते हैं, आप मानते हैं कि दोनों, मुझे लगता है कि आपको मुझे कानून थोड़ा विधि सिखाना होगा। कानून हम खूब जानते हैं सर, जब तक ऑब्जर्वेशन में और वर्डिक्ट में फैसला होता है, अभी वर्डिक्ट नहीं आया इनके। सॉरी, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, जब तक जो भी मैंने कहा है उसका खंडन नहीं होगा तब तक सजा नहीं होगी, लेकिन इसमें केस बनता है और इसके लिए ट्रायल होनी चाहिए, वो है समन्स, आप जाकर पढ़िए सीआरपीसी।
सिर्फ अकेला कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, आपने तमाम दाएं बाएं की बातें की। वो हिंदुत्व नहीं है भाई, हिंदुत्व दूसरा है। क्या है? हिंदुत्व है राम मंदिर बनाने का। अब तक मोदी सरकार ने कौन सा राम मंदिर बना दिया? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो सुनते नहीं है, आपको तो सवाल पूछना की आदत हो गई है। कांग्रेस को लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी हार गए, वो बच गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि अगला साल खत्म होने से पहले राहुल गांधी और सोनिया के खिलाफ आपने जो आरोप गड़े हैं आप उन्हें सिद्ध कर पाएंगे? जी, सिद्ध। आपके हिसाब से ये जेल जाएंगे? जेल को जाएंगे। और अगर नहीं गए तो? ये अगर की बात कैसे आ गई? आपने कहा मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास। कायर होते हैं वही सोचते हैं कि क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। मैं अभी युद्ध में हूँ और मैं कहता हूँ मैं जीतने वाला हूँ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए, हाथ थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।